Okay, welcome in this second session. Okay, here we are going to discuss some points about classical sonnet. Okay, जैसा हमने classical sonnet में आपको बताया कि ये classical sonnet कहाँ पर develop हुआ, Italy में, इसे क्या कहते हैं, Italian sonnet कहते हैं, और एक famous poet थे Petrarch, ठीक है, जिन्होंने इसको लिखा और इसको क्या कहा गया, Petrarchan sonnet. तो इसके स्ट्रक्चर की बात देख लेते हैं, बाकी और डिटेल हम लोग नहीं समझेंगे. स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आप समझ लो ही, 4 + 4 = 3 + 3. ये बात समझ में आई कुछ की नहीं? What is this 4 + 4 = 4? ये टोटल 14 हो रहा है कि नहीं? या थोड़ा सा इसको अगर हम एलेबरेट करें, जरा सा थोड़ा सा इस तरह से अगर कर दें कि 8 + 6, ठीक है, इसी को दूसरे स्टेप में अगर हम कहें 4 + 4 + 3 + 3, तो आई थिंक, मुझे लगता है अब आपको इसके स्ट्रक्चर में बहुत बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी. ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो देखिए, इस 8 लाइन का जो स्टैंजा होता है इसको कहते हैं ऑक्टेव. क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं. और जो इस 6 लाइन का होता है इसको सेस्टेट कहते हैं. ठीक, ऑक्टेव सेस्टेट, ऑक्टेव सेस्टेट, सॉरी बी नहीं है, वी, ऑक्टेव. ठीक है, बात समझ में? इनको क्या फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो इक्वल पार्ट में, और इन दोनों को क्या कहते हैं, 4 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं क्वाट्रेन. ठीक ना, और ये जो तीन तीन लाइन के हैं इनको कहते हैं टर्सेट. बात समझ में आ गई? क्लियर? मतलब जो क्लासिकल सोनेट होगा उसमें फर्दर जो प्राइमरी डिवीजन होगा वो 8 and 6 का होगा. मींस पहला पार्ट 8 लाइन का, दूसरा पार्ट 6 लाइन का. फर्स्ट पार्ट जो है 8 लाइन का, उसमें क्या होगा, एक फर्दर डिवीजन होगा, यानी 2 क्वाट्रेन्स होंगे. ठीक है, और जो सेस्टेट है उसको क्या कहेंगे, 2 पार्ट करेंगे इक्वल, जिसको हम कहेंगे टर्सेट. अगर इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम कहना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, 2 क्वाट्रेन प्लस 2 टर्सेट. ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो ये है इसका स्ट्रक्चर. अच्छा, इसका जरा से ध्यान रखिएगा, इसमें जो एक दूसरी खास बात होती है जिसको कहते हैं राइम स्कीम, उसको भी यहीं पर आप देख लीजिए. राइम स्कीम भी बहुत जरूरी चीज है, क्वेश्चन बनता है, इसलिए अभी से इस चीज को आप लोग समझ लें बेहतर है. इसका जो राइम स्कीम होता है ABBA, 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 ये क्या हुआ, ये पहला क्वाट्रेन हुआ, यानी कि शुरू की 8 लाइंस. ठीक है, और उसके बाद ये जो टर्सेट वाला पार्ट होता है इसका जो राइम स्कीम होगा वो होगा CDC CDCD. बस समझ में आई? एक दूसरा भी इसका हो सकता है, वो क्या मिल सकता है, CDE CDE CDE. बात समझ में आ गई? ठीक है,
तो राइम स्कीम इसकी क्या, अभी इसको रट लीजिएगा, राइम स्कीम क्या होता है जब हम लोग पोएट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझाएंगे। अभी जस्ट आपको रट लेना है कि क्लासिकल सोनेट है तो उसकी राइम स्कीम क्या बनेगी, एबीबीए एबीबीए सीडी सीडी, ठीक है, सीडी सी डी सी डी, या फिर एबीबीए एबीबीए सीडीई सीडीई, क्लियर, ये राइम स्कीम बनेगी। जस्ट इतना आपको समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जिस पर आपको फोकस करना है, वो है शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। इसमें थोड़ा सा स्लाइट चेंज हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, यहां पर जो स्ट्रक्चर आया उसमें एक चेंज किया कि नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल, दैट इज 14, बट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम हैज बीन चेंज्ड। इनर स्ट्रक्चर क्या है, इसको क्या किया, इसको किया 4+4+4+2, 14 हो गया ना। अब यहां पर जरा देखिएगा, इसको क्या कहते हैं, ये जो फोर लाइन का स्टेंजा है इसको हम लोगों ने बात की, क्या कहा जाता है, क्वाट्रेन, ठीक है, याद रखिएगा, चार लाइन के स्टेंजा को क्वाट्रेन कहेंगे, तीन लाइन के स्टेंजा को टर्सेट कहेंगे, आपको हमेशा काम आने वाला है जब तक आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, और दो लाइन के स्टेंजा को कहते हैं क्या, कपलेट, ठीक है, दो लाइन के स्टेंजा को कपलेट, चार लाइन को क्वाट्रेन। तो इसी चीज को हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, थ्री क्वाट्रेन्स प्लस वन कपलेट, और कपलेट के विषय में एक बात लिखनी है क्या, कॉन्क्लूडिंग। कॉन्क्लूडिंग का मतलब क्या हुआ कि दीज 12 लाइन्स मस्ट बी कंक्लूडेड इन दिस टू लाइन, ठीक है, जो 14 लाइन्स है, सॉरी 12 लाइन्स है, उनका कंक्लूजन किस में लिखा जाना चाहिए, दो लाइन में लिखा जाना चाहिए। तो ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंग्लिश सोनेट, ठीक है, एक इंग्लिश सोनेट का स्ट्रक्चर है। दूसरी जो बात यहां पर आपको रटनी है, वो रट लेनी है क्या, इसका राइम स्कीम। राइम स्कीम आपको रट लेना है, वो क्या है, ए बी ए बी, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, होल्ड डाउन प्लीज। ओके, हम लोग बात करते ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ EF, जी जी बात सुन रही, ये क्या हो गया आपका दो लाइन का कपलेट, और ये क्या है आपकी चार लाइन, ये क्या है आपकी फोर लाइन, ये भी है आपका क्वाट्रेन, क्लियर। तो इतनी सी बातें आपको याद रखना है, और यही जो इंग्लिश सोनेट है, दिस इज आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है। तो शेक्सपियरियन सोनेट पर हम लोग ज्यादा बात तब करेंगे जब शेक्सपियर के सोनेट को पढ़ेंगे, इतनी बातें वहां भी आपको जरूरत पड़ेंगी, इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके लिए, नेक्स्ट जो जॉनर पढ़ना है आपको, पढ़ना है एलिजी।
एलिजी में आप ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, पोएम रिटन इन एलजियाक मीटर, इसको थोड़ा सा हम लोग कलर को चेंज कर लें तो बेहतर दिखेगा। इन एलजियाक मीटर, ये मीटर क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एलजियाक मीटर क्या है कि यहां पर बताते हैं, ठीक है। देखिए एलजियाक मीटर का मतलब होता है, सिंपली अभी समझिएगा, पेंटामीटर, क्या होगा, पेंटामीटर होगा, या फिर हेक्सामीटर होगा। ठीक है, अब इसमें जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट या साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छे से पता है व्हाट इज पेंटा एंड व्हाट इज हेक्सा, जिनको नहीं पता है मैं जरा लिखता हूं, यूनि और मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, डेका, क्लियर। ये जरा सा आप रट लो, ये क्या है भाई, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन किस गिनती की जरूरत आपको इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़नी ही पढ़नी है जब भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। मींस यूनि या मोनो लिखा है उसका मतलब एक होता है, डाई लिखा है, साइंस में आपने डाइसैकेराइड्स पढ़ा होगा, मोनोसैकेराइड्स पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलीमर्स पढ़ा होगा, पॉली मतलब मैनी होता है, ठीक है। तो यहां पर यूनि का मतलब या मोनो का मतलब एक है, डाई का मतलब दो है, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, हेक्सा सिक्स, हेप्टा सेवन, ऑक्टा एट, नोना नाइन एंड डेका टेन, क्लियर। तो यहां पर क्या आ रहा है, पेंटा, कौन सा पेंटा, ये आ रहा है, यहां पर हेक्सा आ रहा है, ये आ रहा है। मीन्स इस मीटर में कितने यूनिट्स हैं, इसमें 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। ये यूनिट्स क्या होगी हम बाद में बताएंगे, यहां पर कितनी यूनिट्स होगी, 6 यूनिट्स, ठीक है। अब जरा सा आप एक यहीं पर नोट लिखिएगा, ठीक है, यूनिट लैंग्वेज में क्या होती है, यूनिट इज इक्वल टू फूट, ठीक है, क्या होती है, फूट, या इसी का जो प्लूरल होता है फीट, ठीक है, बात समझे कि नहीं। फूट क्या होता है, ये मिलकर के बनता है सिलेबल से, ये सारे वर्ड्स आई थिंक आपके लिए एकदम से नए होंगे, ठीक है। ये सिलेबल है, मींस जो आप एक मात्रा का उच्चारण करते हैं, ठीक है, वो एक सिलेबल होता है, और उस सिलेबल से मिलकर के क्या बनता है, फीट बनता है, ठीक है। और ये फीट कई प्रकार के होते हैं, ये डाई सिलेबिक होते हैं, ट्राई सिलेबिक होते हैं, टेट्रा सिलेबिक होते हैं, मींस कि जैसा भी फूट हो, पेंटामीटर का मतलब है कि जिस भी फूट में वो लाइन लिखी जा रही है उस लाइन को 5 टाइम्स रिपीट किया जाएगा उस फूट को। जैसे आपको हम बात करें, 2 डाई सिलेबल के फूट में लिखा जा रहा है तो उसको 5 बार रिपीट करेंगे, अगर ट्राई सिलेबल के रूप में लिखा जा रहा है तो उसको हम
तीन को 5 बार रिपीट करेंगे, ठीक ऐसे 6 बार रिपीट करें। क्लियर? आप सिलेबल फुट आगे बढ़ेंगे, अभी यहां हम उसको एलेबरेट करेंगे तो आपको चीजें बड़ी हो जाएंगी, समझ नहीं आएगी। जस्ट आपको यहां रट लेना है कि एलजियाक मीटर किसको कहते हैं, पेंटामीटर को कहते हैं या फिर हेक्सामीटर को कहते हैं, एंड जनरली नंबर ऑफ लाइंस। लाइंस कितनी होती है? 4 जनरली। ठीक है, श्योर नहीं है कि हमेशा नंबर ऑफ लाइंस 4 ही होंगे, लेकिन जनरली कितनी होती हैं? 4 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जरा सा हम इरेज कर दें, कोई मतलब की चीज नहीं। बाकी ये गिनती अंग्रेजी वाली जरा पढ़ लीजिएगा भाई, बहुत जरूरी है, आपको हमेशा काम आएगी। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर जो होता है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉस चेंज और डेथ। ठीक है, कोई चेंज, कोई लॉस या डेथ का सब्जेक्ट मैटर होता है, उससे रिलेटेड लिखा जाता है। मींस कि ये दुख के गीत हैं। अब प्रेजेंट टाइम में इसको क्या किया गया, प्रोमिनेंटली इसको सिंपली कहा जाता है अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन नियर एंड डियर। बात समझ आ गई? तो अभी तक जो हमने बात कही, ये पुराना जो मैटर है, ये पहले की बात है, लेकिन ये रीसेंट अभी का जो सिस्टम है जिसको एलजी कंसीडर किया जाता है, वो क्या है? वो एक ऐसी पोएम है जो किसी के डेथ पर लिखी गई हो। अब इसी में अगर आपको कह दिया जाए कि पेस्टोरल एलजी, पेस्टोरल एलजी, तो पेस्टोरल एलजी का मतलब है उसमें पेस्टोरल एलिमेंट्स ऐड कर दिए जाएंगे। पेस्टोरल का मतलब है शेफर्ड एंड विलेज। यहां पर जो पोएट होता है वो क्या है, इज अ शेफर्ड हू मोर्न्स द डेथ ऑफ इज फेलो सेफर्ड सेफर्ड। बात समझ आ गई? तो जो फेलो सेफर्ड की डेथ पर बात करता है वो कौन है? वो है सफर। अब आप अगर इसके एग्जाम्पल्स में लिखना चाहें तो कुछ फेमस एलजीज के एग्जाम्पल हैं, जस्ट लाइक लिसिडस। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी।